आज का प्रेरणा पाते स्वभाव और विभाव। स्वभाव का मतलब खुद का भाव करना, खुद के साथ रहना, खुद की अनुभूति करना, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण स्वभाव है। और जो विभाव क्या है, पर द्रव्य में रमण करना वह विभाव है, जड़ में रमण करना वह विभाव है, चेतना में रमण करना वह स्वभाव है। विभाव है हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी जो है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी ने इस शरीर को दिया और कॉजल बॉडी ने पुण्य और पाप को दिया, क्योंकि यह कॉजल बॉडी का कार्य है तो पुण्य और पाप भी कॉजल बॉडी से जो है प्राप्त हुआ। तो इसीलिए जो है हमें यह चिंतन करना है कि जो ये भेद है, इस भेद को हम किस तरीके से जो है पाट सकते हैं। और लेकिन भेद का अर्थ ये नहीं है कि हमको छोड़ना है, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों से सृष्टि बनी है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हम तो सामंजस्य बिठा कर चलने की बात करते हैं। तो हमारा जो चेतन के प्रति झुकाव, तन्मय आकार होना है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और उसको छोड़ कर के जितना है वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा की बात है, हम कितनी भी करें, कितनी भी सोचें, वो हमारा सब पुरुषार्थ है।